रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स के बारे में आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आज की जो फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो फिजिक्स की रहेगी। आज इस सीरीज में हम फिजिक्स को शुरू करेंगे और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं आज की क्लास में कि हम इस फिजिक्स को बड़े शानदार तरीके से, बड़े ही व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे। यूनो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि अगर आपने पहली दूसरी तीसरी का बच्चा भी बैठा दिया ना इस क्लास में, अगर उसे ये वीडियो आपने दिखा दी तो 100% गारंटी के साथ उसकी ये चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक एक पॉइंट को समझते हुए, एक एक चीज को क्लैरिफाई कर तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। वो आपको धीरे 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 जब क्लास बढ़ती रहेगी तो आपको समझ आएगा कि हम कितने आसान तरीके से हम इस फिजिक्स को समझ पा रहे हैं। शायद स्टूडेंट, शायद आज से पहले आपने ऐसी फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी। वो आपको धीरे धीरे जब क्लासेस होती रहेंगी तो आपको पता पड़ेगा कि कितनी आसान तरीके से हम साइंस को पढ़ेंगे यार। तो आइए समय को ज्यादा जाया ना करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स को हिंदी में बोला जाता है भौतिक विज्ञान। स्टूडेंट जब हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, यू नो फिजिक्स होती क्या है। देखिए बड़े ही आसान तरीके से हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट जीवन में दो ही सुख होते हैं, एक होता है भौतिक सुख और एक होता है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख का मतलब क्या होता है? आत्मा में परमात्मा का मिलन, ऊंचे लेवल की बात है, ऋषि महामुनियों वाली बात है। लेकिन भौतिक सुख क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, दिस इज भौतिक। भौतिक सुख क्या होता है? भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आई तो बेड पे सो लिए। यू नो हमारे आसपास की जितनी भी चारों तरफ की घटनाएं होती हैं, यू नो हमारी आंखों के द्वारा जो भी चीज देखी जा सकती है आसपास, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? फिजिक्स यू नो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि पंखा ऐसे चलता है कि सर ये पंखा ऐसे ही क्यों नहीं चल जाता, प्लेन हवा में उड़ जाता है, प्लेन के पंख थोड़ी लगे हैं जो हवा में उड़ जाता है, रेल इतनी भारी होती है और बिना हैंडल के इतनी सी पटरी पर चल लेती है, और मैं स्क्रीन के सामने लिख देता हूं, अक्षर उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। मनो आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि इस चीज के पीछे क्या साइंस लग रही है, क्या फिजिक्स लग रही है। माय डियर फिजिक्स हमें दो ही चीजें सिखाती है। सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है जी? ऑब्जर्वेशन और प्लस में एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवलोकन और एक्सपेरिमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रयोग। अवलोकन यू नो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज को देखना, और देखने के बाद उसके बारे में क्या करना, प्रयोग करना, और प्रयोग के बारे में, प्रयोग करने के बाद उस चीज के बारे में जानना। यू नो इस फिजिक्स को मैं दो शब्दों में बयां कर सकता हूं। सबसे पहला होता है जी जानना और दूसरा होता है मानना। सबसे पहले चीज क्या होती है? जानना और मानना। इन्हीं दो शब्दों में पूरी की पूरी फिजिक्स को एवेल्युएट किया जा सकता है। किसी भी चीज को देखा जाता है, फिर देखने के बाद वो ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब हम फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यू नो कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपका मेरे से एक ही सवाल आना चाहिए कि सर क्यों और कैसे। फिजिक्स हमें दो ही बातें सिखाती है कि क्यों और कैसे। तो आइए आज की क्लास में सबसे पहला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं माय डियर, वो क्या करने वाले हैं आप लोग मुझे बताएंगे। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट लेना चाहूंगा कि इस संसार में ऐसी क्या चीज है कि जिसके बगैर आप नहीं देख सकते। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इस संसार में ऐसी क्या चीज है कि जिसके बगैर आप नहीं देख सकते। स्टूडेंट का जो जवाब आएगा कि सर आंखों के बगैर नहीं देख सकते,
जी हाँ, बिल्कुल सही है कि हम आंखों के बगैर किसी भी चीज को नहीं देख सकते, लेकिन जैसा कि मुझे दिख रहा है, मतलब ऑनलाइन तो नहीं दिख रहा, जैसा होगा कि आपकी जो सुंदर सुंदर आंखें होने के बावजूद भी आप किसके बगैर संसार को नहीं देख सकते, तो आपकी तरफ से मुझे जवाब सुनने को मिलेगा कि सर किसी भी चीज को हम लाइट के बगैर नहीं देख सकते। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जो टॉपिक होने वाला है वो लाइट का टॉपिक होने वाला है। दिल थाम के बैठिएगा, बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है, मैं गारंटी के साथ आपको अश्योर कर सकता हूं। आज की क्लास में जितनी भी आने वाली वीडियोज रहेंगी वो बड़े शानदार तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से क्लैरिफाई होंगी उस चीजों में। देखिएगा, आज की क्लास में हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, और स्टूडेंट लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या कहते हैं जी? प्रकाश। स्टूडेंट जब मैं लाइट की बात करता हूं तो व्हाट इज लाइट, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, लाइट क्या होती है? देखिए बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन एक सिंपल तरीके से प्रकाश कुछ नहीं है, जो आपके आसपास आपको लाइट दिख रही होगी ना, जैसे मेरे ऊपर जली है, मेरे साइड में जली है, दैट इज कॉल्ड लाइट। वी कैन सी एबल टू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। संसार की प्रत्येक वस्तु को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? इस लाइट की सहायता से देख सकते हैं। वी कैन सी एबल टू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब मैं कह सकता हूं कि टू सी, यू नो, जो देखने के रूप में प्रयोग होती है, दैट इज कॉल्ड लाइट। देखने के रूप में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो केवल एक लाइट की तरफ इशारा कर दो, दैट इज लाइट। मैं समझा दूंगा, ये मेरा काम है। लाइट क्या है कि जिससे किसी भी वस्तु को देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। लेकिन एक साइंस की टर्म्स में, एक फिजिक्स की टर्म्स में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है स्टूडेंट? ऊर्जा का रूप है। अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कार्य करने की क्षमता को, सातवीं आठवीं नौवीं क्लास में पढ़ा होगा कार्य करने की क्षमता को, वर्क टू डू एफिशिएंसी इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। वहीं पे आपने जाना होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म। यू नो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। मानो ऊर्जा ना कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, यह हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। पता है जब सृष्टि की रचना हुई होगी ना, तब भी उतनी एनर्जी होगी, आज भी उतनी ही एनर्जी है, अब जब ये सृष्टि खत्म भी हो जाएगी ना, तब भी उतनी एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज अ कॉन्स्टेंट, एनर्जी हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आइए इसको प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए यहां पे दो तरह की एनर्जी का जिक्र होगा मुख्य रूप से। सबसे पहली होती है जी पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कि गतिज ऊर्जा क्या होती है? नाम से ही क्लियर है, किसी भी एक विशेष गति के कारण, एक स्पेशल मोशन के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यू नो, सिंपल तरीके से यदि कोई चीज गति में है, दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा। बस स्थितिज ऊर्जा,
किसी भी एक विशेष स्थिति के कारण, एक स्पेशल पोटेंशियल के कारण, मतलब कि स्थित ऊर्जा, यू नो स्टोर्ड एनर्जी, मतलब कि रुकी हुई एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। आपने सुना होगा ना डेली लाइफ में कि आपने अपने अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर करके रखा है। यू नो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो ठहरी हुई एनर्जी होती है, जो रुकी हुई एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा। जो चीज ठहरी हुई है, रुकी हुई है, दैट इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा, और जो चीज गति में है, दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा। जैसे नदी का रुका हुआ जल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नदी का बहता जल, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बांध बनाकर रोका गया पानी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बांध से गिराया गया पानी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। खींचा हुआ धनुष, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को रोक के रखा है और जैसे ही छोड़ दिया तो तीर ने क्या पकड़ ली, गति, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों की खिलौनों की गाड़ी में चाबी भरना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और गाड़ी का चलना काइनेटिक एनर्जी। अलार्म वाली घड़ी में चाबी भरना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर कर दी और जब वो बच जाएगा तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बस इतनी सी बात याद रखना। अभी फॉर्मूलेज को यहां पे भूल जाना कि सर दिस इज MgH एंड दिस इज हाफ Mv² को समझेंगे जब कंसेप्ट समझेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, अपना दिमाग मत चला लेना यहां पे। मैं आपको बार बार अश्योर कर रहा हूं इस बात का, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक एक बात क्लैरिफाई तरीके से बिल्कुल क्लियर होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। स्थितिज ऊर्जा एंड दिस इज गतिज ऊर्जा। कोई चीज गति में है तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कोई स्थिति में है, रुकी हुई है, दैट इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा। देखिए आइए इसको समझते, लाइट से रिलेट करते हैं। हाँ, इसको कर देते हैं यहां। देखो बांध बनाकर रोका गया पानी, डैम पे जब पानी को रोक के रखते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? बांध से गिराया गया पानी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नीचे लगे होते हैं हाइड्रो टर्बाइन, वो जब टर्बाइन चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी मशीन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति तथा वस्तु के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब जब वो टर्बाइन चलते हैं, बनते हैं, तो वहां पे बांध पे क्या बनाई जाती है, बिजली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिक होती है, यू नो उससे घर में क्या जल जाती है, लाइट। सो इट मींस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैंने आपको शुरू में बताया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है कि नहीं बदल रही है? क्यों? क्योंकि ऊर्जा ना बनती है ना खत्म होती है, ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। अब यहां पर दूसरा एक पॉइंट आता है स्टूडेंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किस तरह से है, क्यों है, वो मैंने आपको समझाया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं लाइट के बारे में। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। आप ना कभी किसी लाइट के सामने, प्रैक्टिकल आप अभी भी देख सकते हैं, आप इस वीडियो को देखते देखते भी आपके घर में लाइट जल रही होगी। आप किसी लाइट के सामने आंखों को थोड़ा सा खुला रखें, थोड़ा सा रखें बंद, उसमें से कुछ रे ऑफ लाइट निकलती दिखेंगी। वो हो तो किसी भी डायरेक्शन में सकती हैं, लेकिन होंगी एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। जब आप किसी बाइक पे हेलमेट लगा के आ रहे हो, गाड़ी में आ रहे हो, उसके शीशे के सामने जब सामने से लाइट पड़ रही होती, कुछ रेस सी निकलती है ना, वो हो तो किसी भी डायरेक्शन में सकती है, लेकिन होती बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी है। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक पाइप लीजिएगा, हॉलो पाइप,
उसके अगले सिरे पर एक मोमबत्ती जलाइएगा और उसमें एक आंख से उसको देखिएगा, राइट। मोमबत्ती की लो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? कि सर दिखेगी भाई, खोखला पाइप है, होलो पाइप है, दिखेगी मोमबत्ती की लो। अब आपने क्या करना है कि एक बेंड पाइप लीजिए, यू नो मुड़ा हुआ पाइप लीजिए। अब उसी मोमबत्ती की लो को आगे रखिए, क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा उस मुड़े हुए पाइप में से? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है, वो कभी भी जिगजैग डायरेक्शन में नहीं चलता है। बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट? क्लियर है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यू नो माध्यम को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मीडियम। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब मन में सवाल आएगा कि सर व्हाट इज मीडियम, माध्यम क्या होता है? अच्छा, इस समय साइंस पढ़ाने का माध्यम कौन है आपके सामने? मैं, यू नो दिनेश शर्मा, जिसके थ्रू कोई कार्य हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड माध्यम, दैट इज कॉल्ड मीडियम। जिसके भी थ्रू कुछ भी कार्य हो रहा हो, वो उस समय उस चीज के लिए क्या बन जाता है? माध्यम बन जाता है। तो ऐसे ही जब लाइट चलती है तो कहीं ना कहीं से तो होकर गुजरती होगी, दैट इज कॉल्ड। आप मेरे सामने बैठे रहिए, आपको मैं दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? जी हां दिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट और हमारे बीच में हवा है या नहीं है? है। यू नो जो लाइट आ रही है ना हमारे पास तक, वो हवा के माध्यम से होते हुए आ रही है। यू नो माध्यम को एक बड़े आसान तरीके से हम समझे ना, आपने बचपन में छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा कि पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, सब्सटेंस की कुछ स्टेजेस होती हैं। मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी? आपने पढ़ा होगा, सबसे पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। यू नो हिंदी में कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। कुछ नहीं होता, यही माध्यम होते हैं, बस तीन ही माध्यम होते हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। हवा में से आर पार लाइट होती है कि नहीं होती है? होती है सर। किसी पानी में टॉर्च मारी है, क्या पानी में से जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। किसी शीशे में से आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ट्रांसपेरेंट एक शीशा होगा, दिखेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में से भी वो पार हो जाएगी वहां पे। और मैंने बोला कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पे माध्यम नहीं होता है स्टूडेंट, जहां पे माध्यम नहीं होता है, उस स्थान को बोला जाता है वैक्यूम। क्या बोला जाता है? वैक्यूम। और वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं जी निर्वात। सर व्हाट इज निर्वात, व्हाट इज वैक्यूम? जहां ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना धूल है, ना हवा है, ना मिट्टी है, ना पानी है, एकदम से एक वैकेंट प्लेस होता है, एकदम से खाली स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। क्या लाइट वहां पे ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जी हां कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रकाश तो हमेशा और हमेशा माध्यम के बिना भी चल सकता है। यू नो स्पेस, स्पेस में निर्वात है। यू नो अंतरिक्ष यात्री को आपने देखा होगा, आपने जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो पता है, आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से, बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं। सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट, एक थंब का निशान मुझे दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस एंड नो? एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा सारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। देखिए अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो व्हाइट व्हाइट से कपड़े पहन के जाते हैं, देखा होगा आपने। अच्छा असलियत में तो नहीं देखा, लेकिन टेलीविजन में तो देखा होगा ना।
वो कुछ ना उठे उठे से चलते हैं ऐसे, कुछ उठे उठे से। पता है वो क्यों चलते हैं? क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं यहाँ की अपेक्षा, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है वहां पे, बहुत ही लेस ग्रेविटी होती है। उसके यहाँ ना एक हेलमेट से पे एक लाइट लगी होगी, और वो इशारों में बात करते हैं। वो इशारों में पता है क्यों बात करते हैं? क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट वहां पे मीडियम नहीं होता है, तो इस वजह से वो इशारों से बात करते हैं। और लाइट इस वजह से ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकता है। बात समझ आ रही होगी? आइए हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा पेपर में कि भाई इतनी बात तो सही है कि लाइट चलती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है? तो स्टूडेंट, लाइट की जो स्पीड होती है ना, 3×10^8 m/s, मतलब 3 के आगे में 8 0 लगा दूं, इतने मीटर एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है हमारी। क्लियर है? अब ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। यू नो माध्यम कितने प्रकार के पढ़े थे आपने? 3 प्रकार के। सबसे पहला गैस, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा सॉलिड। और कहीं ना कहीं इसी में आपने पढ़ा था जी वैक्यूम, यू नो निर्वात। निर्वात में भी सेम ही होती है, यही होती है 3×10^8 m/s। गैस में भी सेम ही होती है स्टूडेंट, 3×10^8 m/s, लेकिन लिक्विड में होती है 2.25×10^8 m/s, और सॉलिड में होती है 2×10^8 m/s। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कहां होती है? वैक्यूम में होती है, गैस में, और सबसे कम कहां होती है? सॉलिड में होती है। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां होती है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां होती है? सबसे पहला ऑप्शन उसमें आया था H2O, दूसरा आया H2, तीसरा आया था ग्लास, और चौथा है वैक्यूम। बताइएगा, रिस्पोंड करिएगा मुझे, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट नहीं, फोर्थ, सॉरी, फोर्थ इज द राइट आंसर, वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी होती है यार? 3×10^2। कि सर मान लिया कि फोर्थ आंसर है, लेकिन कहीं ना कहीं गैस में भी तो इतनी है, और इसमें हाइड्रोजन गैस ही तो है। दिस इज H2O, H2O मीन्स पानी, ग्लास, ग्लास मतलब सीसा, सीसा मतलब ठोस, तो H2 मतलब गैस, गैस में भी इतनी है, वैक्यूम में भी इतनी है। देखिए जब गैस और वैक्यूम दोनों चीजें आ जाए ना, तो आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है? वैक्यूम को देनी है, क्योंकि वैक्यूम बिल्कुल खाली स्थान है, मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए बीच में कोई रुकावट नहीं है, वो बहुत तेजी के साथ ट्रेवल कर सकती है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कहां होती है? वैक्यूम में होती है। क्लियर है स्टूडेंट? आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? ओके, आइए स्टूडेंट इसमें हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे टर्म्स आती है, फाइव टाइप ऑफ लाइट, फाइव टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑफ लाइट। यू नो प्रकाश में 5 तरह की वस्तुएं, प्रकाश में 5 तरह की वस्तुएं। प्रकाश में जो 5 तरह की वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बहुत आसान है, बेहद आसान। ये तो ट्रेलर है दोस्तों आज की क्लास में, है ना, बच्चों वाला खेल है। धीरे धीरे देखते रहिए, बड़े अच्छे तरीके से हम चीजों को करेंगे। और क्या हो रहा है? हाँ देखिए, सबसे पहली जो वस्तु होती है दैट इज कॉल्ड
ल्यूमिनस बॉडीज हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। यहां से पेपर में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, अभी देखना ध्यान से। दूसरी होती हैं नियॉन ल्यूमिनस बॉडीज, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, सही कर लेना यहां पे, ये नहीं है। तीसरी होती हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जिसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं, और जो नंबर चार होती हैं स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज ट्रांस ल्यूसेंट बॉडीज, इसको हिंदी में बोला जाता है अर्ध पार दर्शक। एंड नंबर फाइव इज ओपैक बॉडीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है ए पार दर्शक। देखिए बहुत आसान है, बेहद आसान। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं। व्हाट इज ल्यूमिनस? नाम से ही क्लियर है, दीप्त। दीप्त का मतलब होता है उजाला। दीप्त का मतलब क्या होता है? उजाला। ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का उजाला होता हो, या ऐसी वस्तुएं जो खुद के ही प्रकाश से प्रकाशमान होती हों, या दोज बॉडीज विच हैव आवन लाइट दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। पेपर में यहां से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कोई भी अपने आसपास ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जो ल्यूमिनस बॉडीज का एग्जाम्पल हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सूर्य क्या है? सूर्य, सन, सन इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज। अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि सूर्य को जब निकलता है तो देखते हैं दिया जला के कि निकला है कि नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि सन इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज, जिनका अपना खुद का उजाला होता है। क्लियर है? कोई भी लाइट, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, और वो नेचुरल भी हो सकती है। इसी का एक तीसरा एग्जाम्पल जो पेपर में आता है, दैट इज कॉल्ड फायरफ्लाई। फायरफ्लाई को हिंदी में बोला जाता है जुगनू, और आपकी एक आम भाषा में बोला जाता होगा पटबीजना। पटबीजना देखा होगा, वो अपने आप वो जलता है। अच्छा, यहां से भी पेपर में एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जो फायरफ्लाई होता है ना, वो किस कारण जलता है? ऐसा क्या होता है उसके अंदर जो वो जलता है? तो उसके अंदर होता है ल्यूसीफेरिन एंजाइम। क्या होता है उसके अंदर? ल्यूसीफेरिन एंजाइम, और उसके अंदर फास्फोरस भी होती है। क्या होती है? फास्फोरस और ल्यूसीफेरिन एंजाइम भी होता है। क्लियर है स्टूडेंट? आइए अब हम बात करते हैं किसकी? अप्रदीप्त वस्तुएं। ए का मतलब न होना, ए का मतलब न होना, और दीप्त का मतलब उजाला। ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होती हैं, या दोज बॉडीज विच हैव नॉट आवन लाइट, जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। कोई एग्जांपल बताइए। जी हां, सबसे पहला है चंद्रमा। हेलो, हाँ जी, मैं करता हूँ मैम, आपको ना अभी मैं क्लास में था। जी, ओके। हाँ, ठीक है, मैं कर ले लूँगा। यस यस, ओके जी, ओके ओके ओके। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ, हम नॉन ल्यूमिनस के बारे में, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, क्या है? मून, चंद्रमा। स्टूडेंट, चंद्रमा का कभी भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है हमको। क्लियर है? दूसरा इसका एग्जांपल बताइए। अरे कुछ भी, मैं किसका एग्जांपल हूं? नॉन ल्यूमिनस का। तो आप किसका एग्जांपल है?
आप ऐसा थोड़ी है कि आपको अंधेरे में खड़ा कर दिए तो आपको परमात्मा की तरह देखा होगा, पीछे वो लाइट चलने लगेगी। आप भी किसका एग्जाम्पल है? नो, दुनिया की वो हर एक चीज जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होती है? देखिए, पार का मतलब आर पार, दर्श का मतलब देखना, पार का मतलब आर पार, दर्श का मतलब देखना। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, या ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश की किरण आर पार गुजर सके, दोज बॉडीज वी कैन से एबल टू वन साइड टू दी अनदर साइड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। कोई का एग्जांपल बताइए ट्रांसपेरेंट का, बताइए बताइए बताइए। अनपॉलिश्ड ग्लास आपके घर में होगा, अनपॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ, बिन पॉलिश किया हुआ शीशा किसका एग्जांपल है? पारदर्शक आर पार, दिखता है कि नहीं दिखता है? दूसरा एग्जांपल प्योर वाटर, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल भी किसका उदाहरण है? इसी का एग्जांपल है। यू नो हवा, हवा भी किसका एग्जांपल है? एयर में से भी आर पार दिखता है ना? आप मेरे सामने रहोगे तो दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? दिखूंगा। क्यों? क्योंकि एयर भी किसका एग्जांपल है? पारदर्शक का ही एग्जांपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे जैसी मुझे उम्मीद है आपसे। आइए हम चौथी वस्तु को जानते हैं स्टूडेंट, और उसका क्या नाम है? अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, पार का मतलब आर पार, और दर्श का मतलब देखना। ऐसी वस्तुएं जिनमें से आधा आर पार देखा जा सके, अर्ध का मतलब आधा, पार का मतलब आर पार, दर्श का मतलब देखना, जिसमें से आधा आर पार देखा जा सके। इसका एक आसान सा मतलब है कि जिसमें से धुंधला दिखाई दे, जिसमें से क्लियर दिखाई ना दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज, दैट इज कॉल्ड अर्ध पारदर्शक बॉडीज। एक आधा एग्जाम्पल बताइए मुझे अर्ध पारदर्शक, जिसमें से धुंधला दिखाई दे। देखिए, अनपॉलिश्ड ग्लास किसका एग्जाम्पल था? बिन पॉलिश किया हुआ शीशा, ट्रांसपेरेंट का। यदि उसी अनपॉलिश्ड ग्लास को हम थोड़ा सा घिस दें, नो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, घिस देते हैं, तो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? नो स्ट्रेस्ड ग्लास, खुरचा हुआ कांच भी हम कह सकते हैं। स्ट्रेस्ड ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्ध पारदर्शक, यू नो घिसा हुआ शीशा, धुंधला सा दिखता है ना उसमें से। या इम्प्योर वॉटर, इम्प्योर वॉटर इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्ध पारदर्शक। तीसरा एक एग्जाम्पल मैं जो बताने वाला हूं, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 20-20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। ट्रांसलूसेंट बॉडीज का जो तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, यू नो ऑयली पेपर, या बटर पेपर भी लिखा मिलेगा। बटर पेपर इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट। किसी कागज में तेल लगा के उसमें देखिए आपको कैसा दिखाई देगा, धुंधला सा दिखाई देता है। क्लियर है? अच्छा, इस ऑयली पेपर से कुछ याद आ रहा है दोस्तों, कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। दोस्तों मैंने बोला कि सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में चमेली का तेल हो। तो यही चमेली का तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट? अर्ध पारदर्शक का एग्जाम्पल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिस्पॉन्ड करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ओपेक बॉडीज। यू नो ए का मतलब न होना, पार का मतलब आर पार, दर्श का मतलब देखना, जिसमें से लाइट आर पार नहीं होती है, या जिसमें से वस्तु को हम आर पार नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अपारदर्शक वस्तु है। मतलब ऐसी हमारे आसपास क्या है कि जिसमें से हम नहीं देख सकते? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना
कि अनपॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज और स्क्रेच्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ अर्ध पारदर्शक ट्रांसल्यूसेंट। अभी उस शीशे को मैं पीछे से पॉलिश्ड कर दूं, यू नो आपके घर में एक मिरर होगा, आपके घर में एक शीशा होगा, आपके घर में एक ड्रेसिंग टेबल होगा, उसमें से आर पार दिखता है क्या? अगर आप सामने देखो तो आपको कौन दिखेगा? आपको तुम ही तो खुद ही तो खुद दिखते होंगे, आर पार नहीं देख सकते। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ क्या है? पॉलिश्ड ग्लास यहां पे लिखते हैं, पॉलिश्ड ग्लास, यू नो मिरर भी कह सकते हैं। यू नो अनपॉलिश्ड ग्लास को छोड़ के, यू नो कोई भी ठोस चीज, ग्लास को छोड़ के कोई भी ठोस चीज जिसमें से आर पार नहीं दिखाई दे यार, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपेक बॉडीज। स्टूडेंट क्लियर है सारी बातें? तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो इसी अंदाज में इस फिजिक्स की हमने शुरुआत कर दी है और इसी अंदाज में मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, आज तो ट्रेलर था माय स्टूडेंट, पिक्चर तो अभी बाकी है यार, फिल्म तो अभी पूरी की पूरी पड़ी है, इन्हें फिल्म ही बन जाएगी। अच्छा किसी बच्चे ने कहा मेरे से कि सर ट्रेलर इतना बड़ा होता है क्या? तो मैंने पता है उसे क्या जवाब दिया, ये जो फिजिक्स की फिल्म है ना ये भी बहुत लंबी चलने वाली है, तो इसके लिए इतना सा ट्रेलर तो बनता है ना। तो स्टूडेंट आज तो केवल एक ट्रेलर था, इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, आपको देखकर आप ना खुद से कहोगे यार इतनी आसान है साइंस, इतनी आसान है फिजिक्स, खेल खेल में साइंस हो जाएगी यार, खेल खेल में फिजिक्स हो जाएगी। क्योंकि मैं दिल चीर के तो आपके सामने नहीं रख सकता, मैं तो केवल आपको बातों से ही बता सकता हूं कि यार ये बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको देख के लगेगा यार देश में से कोई भी बच्चा हमारी वीडियो देख रहा हो तो आप खुद इवेल्युएट कर लीजिएगा। क्योंकि यार चीजें अगर हम किताबों से पढ़ते हैं ना तो हमें कठिन मालूम होती है, लेकिन वही चीजें अगर आसानी से हमारे साथ सामने परोस दी जाएं, बड़े क्लेरिफाई तरीके से परोस दी जाएं, तो वो चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। और फिर जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें आसान लगती हैं। क्योंकि मेरी जो वीडियो बच्चे देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे बच्चे आर्ट बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, मैं समझ सकता हूं यार आपकी फीलिंग। साइंस वाले भी कोई फन्नेखा नहीं होते हैं, साइंस वाले भी ऐसे ही होते हैं यार, हाँ बस वो उसमें एक ठप्पा लग जाता है कि ये साइंस से पढ़े हैं, बस और कुछ नहीं है। आर्ट वाले और कॉमर्स वाले बच्चे विशेष ध्यान दीजिएगा भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारी सारी वीडियोस को आप देखिएगा, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, फिर इसी अंदाज में अगला मिलन आपके साथ होगा स्टूडेंट। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, ओके थैंक यू। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो उस घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको तुरंत शेयर हो जाती है आपके साथ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओके थैंक यू।